गुड मॉर्निंग एवरीवान वेलकम टू योर मैथ्स क्लास सो स्टूडेंट्स इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सिक्स एंड टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सेवन दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन इन विच वी हैव टू डिवाइड द मनी ओके बाय सम नंबर आज हम एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सेवन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि हमें दिए गए पैसों को या रुपीस को किसी और नंबर से डिवाइड करना है तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिवाइड दी वी आर गोइंग टू डू दी डिविज़न विद दी मनी ओके इन अर्लियर एक्सरसाइजेस इन प्रीवियस एक्सरसाइजेस वी हैव डन दी एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन विद द मनी है ना आज हम करेंगे डिविजन विद द मनी एंड वाइल डूइंग एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन विद द मनी वी हैव डन इट इन द सेम वे वी यूज टू डू विद दी नंबर्स है ना हम क्या करते थे जैसे हम नंबर्स को एड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते थे उसी तरीके से हम मनी को भी एड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर कर रहे थे बस हम अगर डेसीमल uh, पॉइंट uh, है मनी में तो हम जो आंसर आता था उसमें भी आफ्टर लास्ट टू डिजिट्स वी यूज टू गिव द डेसीमल पॉइंट तो सेम रूल वी आर गोइंग टू अप्लाई विद द डिविज़न एज वेल अगर पैसे जो दिए हैं जो मनी uh, दिया है उसमें अगर डेसिमल पॉइंट है तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे डिवीजन का जो क्वेश्चन होगा उसमें भी हम लास्ट के टू डिजिट छोड़ के क्या देंगे डेसिमल पॉइंट देंगे ठीक है सो लेट स्टार्ट विद द टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम द एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सेवन डिवाइड एंड फिल इन द ब्लैंक्स सो ही इन क्वेश्चन नंबर टू वी हैव टू डिड सेवेंटी फाइव पैसे बाई द फाइव तो यहाँ पर हमारा डिविडेंट क्या है सेवेंटी फ़ाइव पैसे और डिवाइजर क्या है नंबर फाइव तो हम कैसे करेंगे जैसे हम रेगुलर डिविजन करते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड यूज़ करके वैसे ही हम करेंगे सो सेवेंटी फाइव को लिखो ब्रैकेट के अंदर बिकॉज दिस इज़ द डिविडेंट एंड राइट फाइव आउटसाइड द ब्रैकेट बिकॉज दिस इज द डिवाइजर एंड स्टार्ट डिवाइडिंग इन द सेम वे वी यूज़ टू डिवाइड द नंबर्स ठीक है जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते थे वैसे ही डिविजन करना है सो फाइव वनजा फाइव क्वेश्चन में जाएगा वन सेवन माइनस फाइव लिखेंगे सेवन माइनस फाइव द डिफरेंस इज टू नेक्स्ट डिजिट इज फाइव वी विल राइट फाइव आफ्टर द टू सो

Next question number three. We have to divide rupees one hundred forty-four by eight. So here is dividend is rupees one hundred forty-four and divisor is eight. So use the long division method. One hundred forty-four we will write inside the bracket, and eight will be written outside this bracket. Okay.

रुपीज वन हंड्रेड फोर्टी फोर डिवाइडेड बाय एट इज इक्वल टू रुपीज एटीन ठीक है मनी इज इन रुपीज एज वेल एज इन डेसिमल पॉइंट ओवर हियर लास्ट के दो डिजिट छोड़ के डेसीमल पॉइंट लगाया है दैट मींस नाइनटीन इज इन रुपीज एंड नाइनटी टू इज इन पैसे और इसको रीड कैसे करेंगे रुपीज नाइनटीन पॉइंट नाइन्टी टू तो पॉइंट के पहले वाले जो नंबर्स होते हैं वो क्या होता है वो होता है मनी इन रुपीस एंड पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं वो क्या होता है दो आर द मनी इन दी दैट इज़ द सॉरी दैट इज़ द मनी इन दी पैसे सो दिस डेसिमल पॉइंट के पहले वाला जो नंबर फॉर्म होगा दैट विल बी द मनी इन रुपीज़ एंड द नंबर दैट इज़ फॉर्मड आफ्टर दिस डेसिमल पॉइंट दैट विल बी द मनी इन पैसे सो नाइन्टी टू होगा पैसे में और नाइन्टीन होगा रुपीज़ में सो रुपीज़ नाइनटीन एंड नाइन्टी टू पैसे ऐसे भी इसको रीड कर सकते हैं अब हमें इसको डिवाइड करना है कि ठीक है ऐसे वाले मनी को डिवाइड करना है जिसमें रुपीज़ और पैसे दोनों है तो इसको डिवीजन करने का रूल बहुत सिंपल है हम जैसे नॉर्मल नंबर्स का डिवीजन करते हैं वैसे ही करना है बस जो फाइनल आंसर आएगा जो क्वेश्चन आएगा उसके जो लास्ट के टू डिजिट्स है उसको छोड़ने उसके लास्ट के टू डिजिट्स के बाद हम क्या करेंगे एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे सो राइट डाउन ओवर हियर द कोश द डिविडेंट इज़ नाइनटीन पॉइंट नाइन्टी टू क्या है डिविडेंड 19.92 पॉइंट नाइन्टी टू डिवाइजर इज सिक्स सो इसको नॉर्मल जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे ही डिवीजन करना है तो पहले क्या आएगा नाइनटीन सो सिक्स जा एटीन क्वेश्चन जाएगा थ्री 19 माइनस लिखेंगे एटीन डिफरेंस इज़ वन नेक्स्ट डिजिट क्या है नेक्स्ट डिजिट इज़ नाइन हम ये डेसिमल पॉइंट कुछ देर के लिए भूल जाएंगे हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है हम इसको सिंपल जो से नंबर को डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे तो हम 1992 कंसीडर करेंगे जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं तो विदाउट डेसिमल पॉइंट हम इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर क्या बनाइए वन तो जैसे हम नंबर को डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करना है ठीक है सो नेक्स्ट डिजिट इज़ नाइन सो आई विल राइट नाइन ओवर हियर the dividend is now 19 we have to divide 19 by 6 again 6 3 जै नाइनटीन minus एटीन लिखेंगे रिमाइंडर इज 1 नेक्स्ट डिजिट इज 2 so I will write 2 after this one. the dividend is now 12 सो ट्वेल्व को डिवाइड करना है सिक्स से सिक्स टू ज ट्वेल्व सो आई विइट टू इन द्वेश्चन ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो नाउ माई डिविजन इज ओवर आई हैव टू पुट अ डेसीमल पॉइंट सो हमेशा याद रखना है मनीज में जब हम फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो हम कहाँ पे लगाएंगे जैसे यहाँ पे दो डिजिट छोड़ के डेसीमल पॉइंट था है ना नाइनटीन पॉइंट नाइन्टी टू में दो डिजिट छोड़ के डेसीमल पॉइंट था तो आंसर में भी दो डिजिट छोड़ के ही डेसीमल पॉइंट लगाएंगे वन टू सो आई विल पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर दिस थ्री सो Answer will be rupees 3.32. Next question question number 5 here I have to divide rupees 40.40 .40 by 8. So again, write down the dividend inside the bracket 40.40. .40

So, 8 fives are 40. Difference is 0. Next digit is 4. 4 is lesser than 8. So, we cannot divide a lesser number by the greater number. That's why we have write quotient mein 0 in That's why 4 minus 0. Difference is 4. Next digit is 0. So, I will write 0 after this 4. And this 4 will become 40. Now, 40. एट फाइव ज फोर्टी सो आई विल राइट फाइव इन देशन अगेन फोर्टी माइनस फोर्टी रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो ओके सो यहाँ पे अब हमने डिविजन ख़त्म कर दिया है अब हमें लगाना है डेसीमल पॉइंट सो जो ये नंबर है इसमें कितने डिजिट छोड़ के डेसीमल पॉइंट लगाया वन एंड टू टू डिजिट छोड़ के लगाया इसका मतलब आंसर में भी हमने दो डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है सो टू, आई विल पुट अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर दिस जीरो सो आंसर में क्या जाएगा आंसर में जाएगा रुपीज फाइव पॉइंट जीरो ठीक है सो रुपीज फोर्टी पॉइंट फोर्टी डिवाइडेड बाई एट द आंसर इज रुपीज फाइव पॉइंट जीरो फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज एक्सरसाइज सेवन पॉइंट सेवन थ्री सैंडविचेस कॉस्ट रुपीज़ फिफ्टी पॉइंट फिफ्टी फाइन द कॉस्ट ऑफ वन सैंडविच सो दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम सो आई विल राइट द डेटा गिवन इन वर्ड्स फर्स्ट हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में हम जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है वो पहले हम सेंटेंसेस मतलब वर्ड्स में लिखेंगे ठीक है सो द कॉस्ट ऑफ थ्री सैंडविचेज इज इक्वल टू रुपीज फिफ्टी पॉइंट फिफ्टी

टू वन है ना थ्री सैंडविचेज की कॉस्ट पता है वन सैंडविच की फाइंड आउट करने तो मैनी टू वन मीन्स वी हैव टू डू द डिविज़न है ना आई हैव टोल्ड यू दिस रूल है ना इन दी चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर सिक्स ना इन चैप्टर नंबर फाइव डिविज़न कि कब कब हमने डिविज़न करना होता है जब हम मैनी टू वन जाते हैं तब हमने डिविज़न करना होता है सो टू फाइंड कॉस्ट ऑफ वन सैंडविच वॉट वी हैव टू डू इट वी हैव टू डिवाइड द कॉस्ट ऑफ थ्री सैंडविचेज बाय थ्री ठीक है सो कॉस्ट ऑफ थ्री सैंडविचेज इज रुपीज फिफ्टी पॉइंट फाइव रुपीज फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव जीरो डिवाइडिड बाय थ्री ठीक है सो रुपीज़ फ़िफ्टी फाइव पॉइंट फिफ्टी डिवाइडेड बाय थ्री इसको जैसे हमने अभी सीखा था ना मनी को कैसे डिवाइड करना है उसी तरीके से डिवाइड करना है ये जो मनी की अमाउंट दी है यहाँ पे फिफ्टी फ़ाइव पॉइंट फिफ्टी इसको हम विदाउट डेसिमल पॉइंट एक नंबर की तरह अज्यूम करेंगे जैसे फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी तो उसी तरीके से जैसे हम नंबर को डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे और पूरा डिवीजन ख़त्म होने के बाद जो आंसर मिलेगा फाइनल आंसर उसमें बस हमने लास्ट के टू डिजिट छोड़ के क्या लगा देना है डेसिमल पॉइंट सो मैंने फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी को थ्री से डिवाइड करने के बाद आंसर जो आता है यहाँ पे उस आंसर में मैंने लास्ट के टू डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा दिया है ठीक है सो द आंसर इज कॉस्ट ऑफ वन सैंडविच इज इक्वल टू रुपीज एटीन पॉइंट फिफ्टी सिंस दिस इज दर्ड प्रॉब्लम यू हैव टू राइट योर फाइनल आंसर इन दर्ड्स एज वेल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन फोर ग्लास टम्बलर्स कॉस्ट रुपीज थर्टी सेवन पॉइंट ट्वेंटी वट इज द कॉस्ट ऑफ वन टम्बलर सो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में फोर ग्लास टम्बलर्स की कॉस्ट पता है वो है रुपीज़ थर्टी सेवन पॉइंट ट्वेंटी एंड फ्रॉम दिस वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन टम्बलर फोर ग्लास टम्बलर्स की कॉस्ट पता है उस पर से हमें वन ग्लास टम्बलर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है अगेन वी आर गोइंग फ्रॉम मैनी टू वन वेन एवर वी गो फ्रॉम मैनी टू वन वी हैव टू डू द डिविजन सो ये वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले जो जो डेटा हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है वो हमें सेंटेंस में लिखना है कॉस्ट ऑफ फोर ग्लास टम्बल इज इक्वल टू रुपीज थर्टी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेकेंड कॉस्ट ऑफ वन टम्बलर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नाउ स्टार्ट सॉल्विंग कॉस्ट ऑफ वन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फोर ग्लास टम्बलर्स डिवाइडेड बाय फोर सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम एक ग्लास टम्बलर की कॉस्ट वो फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फोर ग्लास टम्बलर्स की कॉस्ट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा फोर से ठीक है दैट इज व्हाई देयरफॉर फोर द कॉस्ट ऑफ वन ग्लास टम्बलर इज इक्वल टू रुपीज थर्टी सेवन पॉइंट ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फोर तो ये जो थर्टी सेवन पॉइंट ट्वेंटी है उसको हम फोर से डिवाइड करेंगे तो लॉन्ग डिविजन मेथड यूज करो थर्टी सेवन पॉइंट ट्वेंटी को डिविडेंड की जगह लिखो और फोर को डिवाइजर की जगह लिखो अब ये जो नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट है तो डिवीजन करते समय हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है हम सिर्फ नंबर को कंसिडर करेंगे जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे है थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी उसको फोर से डिवाइड करेंगे और जो फाइनल डिविजन ख़त्म हो जाएगी हमारी तो जो आंसर आएगा उसको हम दो डिजिट छोड़ के आंसर में डेसिमल पॉइंट लिख देंगे तो थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी को जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे फोर से जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं और जब हमारा आंसर मिलेगा फाइनल आंसर जो क्वेश्चन होगा उसमें लास्ट के टू डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल पॉइंट लिख देना है सो राइट डाउन द आंसर इन दर्ड्स कॉस्ट ऑफ वन ग्लास टम्बलर इज़ रुपीज़ नाइन पॉइंट थर्टी ticket so in this way we have finished with the exercise 7.7 .7 and this was the last exercise from the chapter number 7 money in this way we have finished with this chapter as well as the s uh, 7 syllabus of your maths ticket and if you have any doubt or query related to today's class you can ask me thank you have a nice day